गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माय नेम इज़ रितेश राउत, लेक्चरर इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, NIT पॉलिटेक्निक नागपुर। आवर सब्जेक्ट नेम इज़ रूरल डेवलपमेंट एंड सब्जेक्ट कोड इज़ 22505। वी विल सी प्रैक्टिकल नंबर 4, दैट इज़ प्रिपेयर द रिपोर्ट ऑन फील्ड विजिट टू एनी वन स्ट्रक्चर फार्म पाउंड अंडर वाटर शेड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। विजन मिशन ऑफ ए प्रोग्राम, आवर विजन इज़ to impart excellent civil engineering skills to develop employable civil diploma engineers, and mission of the department is imparting the modern technical skills as per the requirement of the industry to improve employability, to develop social and environmental responsible civil engineers, effective implementation of teaching learning process to benefit students. Now, learning outcome. In learning outcome, there is course outcome and unit outcome. The course outcome is to identify the need of watershed management in rural areas. In unit outcome, after completion of this video lecture, students will able to select the relevant watershed management structure in the given site condition. There are several POs which are mapped with our unit and the topic and this practical, that is PO1, basic discipline and knowledge, PO3, design development of solutions, PO5, engineering practices for society and sustainability of environment, project management, and 7 is lifelong learning. Now, watershed management structure. For the supplying water to rural areas, to fill various demands of water, different types of structure are constructed. These structures are used to store water and divert it to the different routes to fulfill the demand of water in villages. This setup is called as watershed management. इसमें कहा गया है कि किसी गांव में पानी का स्रोत है, नदी है, नहर है, और दूसरे गांव में नहीं है, तो हम उस पानी को डाइवर्ट कर सकते हैं with the help of canals, with the help of बंधारा। हम बंधारा लगा के पानी को रोक सकते हैं और डाइवर्ट कर सकते हैं और उस तरीके से नीड फुलफिल कर सकते हैं पर्टिकुलर एरिया की। इसीलिए वाटरशेड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ और उसका यूज होने लगा। दिस स्ट्रक्चर आर गिवन बिलो। KT वियर, जिसे कोल्हापुर टाइप वियर कहा जाता है, गैबियन स्ट्रक्चर, कंटूर बंडिंग, फार्म पॉन्ड और अंडरग्राउंड बंधारा। और आज इसमें हम फार्म पॉन्ड देखेंगे। फार्म पॉन्ड में क्या होता है, फार्म पॉन्ड आर कंस्ट्रक्टेड एट द लोअर पोर्शन ऑफ द फार्म। फार्म के लोअर पोर्शन में बनाया जाता है ये, एक्सकैवेट करके, गड्ढा करके, एंड जनरली स्टोर्ड वाटर इज़ यूज फॉर इरीगेशन। और उसमें जो पानी जमा किया जाता है वो जनरली इरीगेशन पर्पसेज से यूज़ किया जाता है, खेती बाड़ी के यूज पर्पसेज से यूज़ किया जाता है। कभी कोई धूपकाले का क्षेत्र रहा तो इस पानी को हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर कहीं पे बारिश बहुत ही कम होती है तो ऐसे जगह पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं, ताकि पानी, जब पानी आए तब पानी हम स्टोर कर ले और वही पानी हम बाद में यूज़ कर सके। इन सम प्लेसेस फार्म पॉन्ड्स आर यूज्ड फॉर रिचार्जिंग द ग्राउंड वाटर। और कहीं कहीं जगह पे ये रिचार्जिंग ऑफ ग्राउंड वाटर के लिए भी यूज़ होता है। जैसे हमने पिट कर दिए, होल कर दिए, गड्ढा कर दिए, और उसमें पानी जमा करने के लिए नीचे फ्लोरिंग न करते हुए उसको पानी जाने के लिए खुली जगह रख दिए, सैंड ही जो भी उसका जो ग्राउंड बेस होगा वैसे ही रख दिए, तो क्या होगा, पानी ज़मीन के अंदर रिचेगा, वहाँ पे जमा होते जाएगा और धीरे धीरे अंदर जाते जाएगा, ताकि ग्राउंड वाटर टेबल डिस्चार्ज, जिसे हम एक्वीफर कहते हैं, जो ज़मीन के अंदर होता है वो भरा रहे, ताकि धूपकाले में अगर हमारे वो पोर्शन में बोरिंग है, कुआ है, तो उसमें पानी मेंटेन रह सके। यह आप तस्वीर देख सकते हो उसमें कैसे फार्म पॉन्ड बनाया गया हुआ है और पानी को यूज़ करते हुए दिखाया गया है। अ फार्म पॉन्ड इज़ अ लार्ज होल डग आउट इन द अर्थ। जैसे कि मैंने बताया था कि ये गड्ढा किया जाता है। इट इज़ स्क्वेयर और रेक्टेंगुलर इन शेप। ये आयत में, चौकोन में भी हो सकता है या फिर रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। इट हार्वेस्ट रेन वाटर एंड स्टोर फॉर द फ्यूचर। ये पानी को बचाता है ताकि हम आगे किसी दूसरे काम के लिए उपयोग कर सके, इवन फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़ ऑल्सो, पीने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं बाय प्रोसेस।
इट हैज़ एन इनलेट एंड टू रेगुलेट द इनफ्लो एंड आउटलेट टू डिस्चार्ज एक्सेस वाटर. उसे इनलेट होता है और आउटलेट होता है. इनलेट से पानी जाता है और आउटलेट से अगर पानी ओवरफ्लो होता है तो वो लेवल को मेंटेन करने के लिए दिया जाता है. द फार्म पॉन्ड इज सराउंडेड बाय स्मॉल बर्न विच प्रिवेंट इरोजन ऑन द बैंक्स ऑफ द पॉन्ड. नाउ एडवांटेजेस ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर. इनिशियल्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज लेस. इसका जो शुरुआती का कॉस्ट होता है वो कम होता है. स्ट्रक्चर आर इजी टू कंस्ट्रक्ट. बांधने में आसान होता है. टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन इज लेस. समय कम लगता है. स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स वाटर कंजर्वेशन इफेक्टिवली. इससे अच्छे तरीके से पानी बचाया जा सकता है और उपयोग किया जा सकता है. इट हेल्प्स टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर. और इसे जैसे मैंने बताया था कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है. ठीक है, उससे क्या होगा, ग्राउंड वाटर क्वालिटी अच्छी हो जाएंगी. जितना पानी नीचे ज़मीन के अंदर भरा रहेगा वही पानी धूपकाले में अगर जब ड्रेन आउट हो जाता है तब बोरिंग के थ्रू या कुएं के हमें मिल सकता है. इसके कुछ डिसएडवांटेज है, जैसे बिल्डिंग अ वाटरशेड रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कॉस्ट. द एरिया वेयर अ वाटरशेड मैनेजमेंट कैन बिल्ड इज वेरी फ्यू. द एरिया शुड हैव एडिक्वेट रेनफॉल. बरसात रहेगी तभी तो पानी जमा कर पाएंगे करके एक छोटे मोटे ड्रॉबैक है. ठीक है, तो ये चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करने से पहले इसकी स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. वाटरशेड रिक्वायर्स रेगुलर मेंटेनेंस. नाउ ये वीडियो देखने के बाद में हमें क्या समझे, बेसिक ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड देयर टाइप्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ एंड बेसिक ऑफ फार्म पॉन्ड, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. थैंक यू.